झारखंड में आशा के अनुरूप महागठबंधन के स्वरूप पर संकट के बादल अब भी मंडरा रहे हैं। दिल्ली में 7-4-2-1 का बना फार्मूला झारखंड आते आते चारों खाने चित हो गया। हालात कुछ ऐसे कि बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम गठबंधन में होगी या नहीं, ये खुद बाबूलाल भी नहीं जानते। जेवीएम को हर हाल में गोड्डा लोकसभा सीट चाहिए और कांग्रेस है कि मानती नहीं। बाबूलाल मरांडी के इस गोड्डा प्रेम से बंधु तिर्की नाराज हैं। हालांकि बंधु तिर्की को भरोसा है कि बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। हालत में बना रहे और हम सभी लोग चाहते हैं कि गठबंधन में किसी तरह का आंच ना हो। जो पूरे प्रदेश में जो जनता का मूड है कि गठबंधन को इस बार लोगों का पसंद है, तो ऐसी परिस्थिति में कुछ बीच का रास्ता निकालने के लिए हमको लगता है कि माननीय अध्यक्ष जी बाबूलाल मरांडी जी निश्चित रूप से प्रयासरत हैं और हमको लगता है कि एक दो दिन में तस्वीर साफ हो जाएगा। महागठबंधन में बाबूलाल मरांडी का भविष्य कांग्रेस के उदार चरित्र और त्याग पट्टी का है। मतलब कांग्रेस ने गोड्डा सीट का त्याग किया तो गठबंधन में बाबूलाल मरांडी की दाल गलने की संभावना है, और अगर कांग्रेस ने बाबूलाल मरांडी से मुंह फेरा तो फेरे में पड़ जाएंगे बाबूलाल मरांडी। कांग्रेस फिलहाल संभावना के समंदर से मजबूत गठबंधन को तलाशने में जुटी है। देखिए, एक बात तो तय है कि जब महागठबंधन बन रहा है तो उसमें दल से ज्यादा महागठबंधन को प्राथमिकता देनी है। वो चाहे किसी भी दल का हो, चाहे वो जेएमएम का हो, चाहे वो जेबीएम का हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे लेफ्ट का हो, किसी का भी होगा तो उसको बराबर का महत्व मिलेगा महागठबंधन में, और महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। जब महागठबंधन चुनाव लड़ेगा तो उसमें दल विशेष को नहीं देखा जा रहा है, और हम लोग किसी भी स्तर पर अपनी दावेदारी को छोड़ने के लिए तैयार हैं, और सब लोग से हम ऐसा उम्मीद भी करते हैं कि वो भी दावेदारी छोड़े। झारखंड में एक तरफ बाबूलाल मरांडी का महागठबंधन से नाराजगी और दूरी है तो दूसरी तरफ वामपंथी दलों का गठबंधन में शामिल होने की खुली संभावना। बाबूलाल मरांडी के गठबंधन से बाहर होते ही लाल झंडे की एंट्री से इनकार नहीं किया जा सकता। कोडरमा में माले की दावेदारी को बाबूलाल मरांडी ने खुद ब खुद मजबूत कर दिया है, और माले भी इसी बहाने बाबूलाल को निशाना पर ले रही है। ये झारखंड में जो बीजेपी के खिलाफ मुहिम चली है उसमें महागठबंधन के साथ मिलकर के ही इस दौर में वामपंथी पार्टियों ने मुहिम में हिस्सेदारी निभाई है। यहाँ तक कि जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो बैठक हुई, उस बैठक में भी सभी वामपंथी पार्टियों की उपस्थिति थी, और हम लोगों ने इस बात का एश्योरेंस भी दिया था कि भाजपा को झारखंड से हटाने के लिए हम एक साथ चलने के लिए तैयार हैं। गठबंधन में दलों का बंधन और नीतियों की राजनीति का कोई भरोसा नहीं। खासकर झारखंड की अगर बात हो रही हो तो कुछ भी और कभी भी संभव है। अब देखना है कि बाबूलाल मरांडी को कुछ भी और कभी भी वाली राजनीति का कितना साथ मिल पाता है। रांची से न्यूज 11 के लिए कैमरामैन कुणाल के साथ अविनाश कुमार।